आगरा के तेजी मीना बाजार मैदान पर हम इस समय मौजूद हैं। देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और सूबे के मुखिया योगी आदित्यनाथ को सुनने के लिए बड़ी संख्या में यहाँ पर भीड़ आई हुई है। जो पंडाल यहाँ पर बनाया गया था वो पंडाल कम पड़ गया है। ये भीड़ का सैलाब बाहर तक यानी कि शाहगंज के मेन चौराहे तक यहाँ पर देखा जा रहा है। हालांकि व्यवस्थापक भीड़ को अंदर लाने में लगे हुए हैं। किस तरीके से लोगों में जोश, जज्बा, उमंग और हौसला है, हम उनसे बात कर रहे हैं। कैसे आप लोग तैयारी करके आए हैं? मैं लोकल आगरा से ही हूँ। सुरक्षा व्यवस्था में मैं लगा हुआ हूँ और माननीय प्रधान सेवक जी का इंतजार हो रहा है, वो कुछ ही देर में आने वाले। ये बताया जा रहा है कि एक बड़ी टीम यहाँ पर, बड़ी टीम को लगाया गया है, बड़ी संख्या में लोग यहाँ पर। सबसे पहले जय श्री राम, जय श्री राम। हमारे देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जो है वो ऐसा नेता है कि पूरे देश के, पूरे वर्ल्ड का नाम रोशन कर दिया है। जो जनसंख्या जितनी भी है सब मोदी को मोदी ही बोलती है, क्योंकि भगवान का दूसरा अवतार ही मोदी है। हमारे मोदी को सुनने के लिए बड़ी संख्या में लोग यहाँ पर मौजूद हैं। तमाम लोगों से हम बात कर रहे हैं कि आखिर किसने जोश, जज्बा, उमंग और हौसलों के साथ में आए हैं। मोदी मोदी जिंदाबाद के नारे से यहाँ पर ये पंडाल में मौजूद भीड़ यहाँ पर मौजूद है। हम इन लोगों से बात कर रहे हैं। मोदी के को पता चला कि मोदी जी आने वाले हैं, तो हम 2014 से ही बीजेपी को सपोर्ट कर रहे हैं, क्योंकि 2014 से लेकर अब तक बहुत काम हुए हैं। हाईवे हुए हैं, चाहे कहाँ भी देख सकते हो, हाईवे कंस्ट्रक्शन हुए हैं, IITs बने हैं, एम्स बने हैं, बहुत सारा काम करवाया है। हम फिर से चाहते हैं कि मोदी जी आए और देश का डेवलपमेंट करें। मोदी है तो मुमकिन है, मोदी है तो सब कुछ। हमारे राजकुमार चार ही 8 लाख पार जीत रहे हैं, जनता का काफी अच्छा यहाँ पे समर्थन, भरपूर समर्थन मिल रहा है जनता का राजकुमार चार जी को। भारतीय जनता पार्टी अच्छी लहर है, बहुत ही शानदार लहर है, पूरी 400 पार, 8 लाख पार राजकुमार चार। तो हम बता रहे हैं कि अब की पार 400 पार का नारा देने वाले भारतीय जनता पार्टी ने एक बड़ी टीम को खड़ा किया है। ए और बी टीम यहां पर लगाई गई है। भारतीय जनता पार्टी ए टीम वो है जो यहां तक जनता को पहुंचा रही है और बी टीम इनके जलपान की व्यवस्था के लिए लगाई गई है। कुछ और लोगों से हम बात कर रहे हैं, कहां से ये लोग आए हैं और कितना जोश साथ में दिख रहा है, कहां से आए? बहुत बड़ी गालियां है, मोदी 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 योगी जिंदाबाद के नारे यहाँ पर देख रहे हैं। और लोगों से हम बात कर रहे हैं, देखिए सुंदर वेशभूषा में यहाँ पर लोग आए हुए हैं। मैं हूँ भारतीय जनता पार्टी, इस तरीके के बैनर और पोस्टर लेके लोग यहाँ पर मौजूद हैं। तो मोदी जी जिंदाबाद। हमारे योगी जी उत्तर प्रदेश में और केंद्र में मोदी जी ने जो हिंदुस्तान का नाम पूरे विश्व में एक महान ऊंचाइयों पर पहुंचाया है, ऐसे हमारे मोदी जी को सबने बहुत बहुत नमन। हमारे मोदी जी महान है, देश में इतना किया उन्होंने, इतना किया है हर एक देशवासी के, हर एक परिवार का ख्याल रखा है, गांव का, देश का, शहर का और पूरे हिंदुस्तान का। जो मोदी जी और योगी जी उत्तर प्रदेश में ख्याल रख रहे हैं, हमारी जनता पार्टी पहले से 400 से ज्यादा, आपकी बार 400 से ज्यादा। तो मोदी योगी जिंदाबाद के नारे यहाँ पर आप कोठी मीना बाजार मैदान में देख रहे हैं। सुरक्षा व्यवस्था पर अगर हम नजर डालें तो यहाँ पर चप्पे चप्पे पर पुलिस बल को तैनात किया गया है। कई चरणों में सुरक्षा व्यवस्था, मंच के मुख्य जो द्वार है वो पूरे SPG के हाथ में है, उसके बाद में सेंट्रल पुलिस फोर्स और उसके बाद में सिविल पुलिस फोर्स को यहाँ पर सुरक्षा की जिम्मेदारी दी गई है। हर एक पॉइंट पर मॉनिटरिंग किया जा रहा है, स्कैनर लगाए गए हैं, यहाँ आने वाले व्यक्ति की चेकिंग कर की जा रही है। हर आने वाले व्यक्ति को रोका जा रहा है, टोका जा रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सुनने के लिए टीम बुलाया गया था। इस तरीके से आप देख रहे हैं नज़ारा, एक बार हम दिखा रहे हैं कि पूरा पंडाल फुल है, जहाँ देखो वहाँ भीड़ ही भीड़ नजर आ रही है। मोदी और योगी के होर्डिंग और बैनर लेकर लोग यहाँ पर पहुंचे हैं। कैमरा पर्सन होशियार और विनीत के साथ प्रशांत कुलश्रेष्ठ, DG महाराजा, न्यूज आगरा।